शनिवार को राजभवन के समक्ष महानगर कांग्रेस ने धरना दिया। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी समेत अन्य जरूरी सामानों की बढ़ी कीमतों के विरोध में यह धरना हुआ। इसमें झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना के दौरान कार्यकर्ताओं ने ठेले पर स्कूटी और एलपीजी सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने स्कूटी और सिलेंडर पर फूल माला भी चढ़ाया। कमाने का काम किया है सरकार, केवल अर्थोपार्जन के लिए नहीं बनती है सरकार, बनती है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है, वो शासन जनहित का होता है। अब ये शासन ऐसा हो गया है कि ये जनता के हितों की अनदेखी करके जो लोग कल तक ये नारा बुलंद करते थे, बहुत हुआ भ्रष्टाचार अभी मोदी सरकार, बहुत हुआ महंगाई की मार अभी मोदी सरकार, अभी ये स्थिति ये हो गई है कि आप देख लीजिए पेट्रोल की कीमत जो है 100 से पार हो गई, सरसों तेल 200 से पार हो गया, रसोई गैस जो है 1000 रुपया छू रही है। तो आप देख लीजिए क्या स्थिति है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आम जनता की आवाज़ और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है। हमारे सभी शीर्ष नेता सड़कों पर बैठकर केंद्र सरकार को इस चीज़ की चेतावनी देना चाहते हैं कि जिस प्रकार कदर पिछले दिनों चुनावी नतीजों के बाद रोज देश में महंगाई की बढ़ोतरी हो रही है और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हो गई कि आज आसमान छू रही है, उसके चलते देश की आम जनता का, आम नागरिक का रहना दुभर हो गया है। उसके बच्चों का पेट पालना, घर गृहस्थी को संभालना और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का उपचार का भी ध्यान रखना, ये सभी चीज़ें बहुत महंगी हो गई और इसके चलते इसका कारण सबसे बड़ा है केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियाँ, केंद्र सरकार की कमज़ोर अर्थव्यवस्था। इन सभी चीज़ों को लेकर, उनके प्रबंधन, कमज़ोर प्रबंधन को लेकर आज देश की जो स्थिति हुई है ये उसका कारण है कि कभी भी यह सरकार ने आम जनता की भावनाओं को ना जानते हुए सिर्फ चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों को और बड़ा करने के लिए और उनके फायदे में हर निर्णय लिए जो कि आम जनता के जेब से पैसा निकालकर, उनके जेब से विभिन्न माध्यमों से कर वसूल कर और उसकी अलग अलग बैंकों के माध्यम से पूंजीपतियों को मदद करने की जो उनकी नीति है ये बहुत ही गलत है, देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर रही है और सबसे ज़्यादा अगर आप माने तो देश की जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जो किसान हैं, जो महिलाएं हैं, उन पर सबसे बड़ा बुरा प्रभाव डाल रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।